इस विद्याओं को दशमा विद्याएं ही हमें, और जिसको हमने देखा है रामचंद्र जी का को भी देखा आपने, परशुराम जी को भी देखा, दूसरे अवतार भी देखे, और कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार संपूर्ण था। कृष्ण को पहले ही ज्ञान होता था कि आगे मुझे क्या करना है, कर्ण को मारना है तो किस प्रकार मारना है, द्रोण को मारना है तो किस प्रकार मारना है, क्योंकि द्रोण श्रेष्ठ थे, भीष्म भी श्रेष्ठ थे, उनको तो इच्छा मृत्यु थी, जब इच्छा आई तभी मृत्यु प्राप्त कर, ऐसे लोगों को मारने के लिए वो कृष्ण थे इसीलिए मार सके, नहीं तो कोई मार नहीं सकता था। और कृष्ण को इस विद्याओं का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, सांदीपनि महामुनि ने दिया। उन्होंने उतना युद्ध जीता केवल इस बारे में ये कहते हुए कि आज तुझे अगर दशमा विद्याएं सिद्ध है तो तू कहीं भी जा इस विद्याओं को सिद्ध कर सकता है। कृष्ण की पढ़ाई आप सबको मालूम है, महाकाल के उज्जैनी में सांदीपनि महामुनि के पास ही उनकी विद्याएं हुई, और उज्जैन में महाकाल और महाकाली भैरव और महाकाली का है, और वहाँ दशमा विद्याएं भी है जो विक्रमादित्य महाराज के पास से भी स्थापन की बात कही जाती है। लेकिन विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती हुए तो उन्होंने भी महाकाली को, एक महाकाली को सिद्ध करने के कारण विक्रमादित्य चक्रवर्ती बने, सहस्त्रार्जुन को दशमा विद्याएं सिद्ध थी। तो इनको जिनको दशमा विद्याएं सिद्ध थी उनको कालज्ञान पहले ही था, और कालज्ञान पहले ही था तो वो सारे सुखों को भोग कर अपनी मृत्यु को मांगता है, चल आजा मैं बहुत सुख भोग लिया। यही कारण था कि हम कभी रावण के बारे में सोचते हैं तो रावण 100,000 वर्ष जिया और रामचंद्र जी 10,000 वर्ष। तो जब 100,000 वर्ष हो गए तो रावण अपने जीवन में बैठे बैठे एक दिन शिव जी के पास में बैठकर तपस्या करते हुए बैठा और कहा, हे शिव जी, इस संसार में और मैं क्या भोगूं, सोने की थाली में खाया, अप्सराओं को भोग लिया, लाखों स्त्रियां मेरे पास जवान पड़ी हुई है वो भी भोग लिया, हर लोक में इंद्र को हरा दिया, कुबेर को हरा दिया, पुष्पक विमान में जाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और क्या है। शिव जी हंसने लगे, और कुछ नहीं है मृत्यु के सिवा, शिव जी ने कहा। इसलिए कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, हे रावण, इस जीवन का अगर तू सत्य जानना चाहता है तो मैं तुझे बता देता हूँ, इस संसार में मृत्यु ही सत्य है। जातस्य मरणं, जो पैदा होता है वो मरता जरूर है, और इस सत्य को जो जानता है वो शिव को जानता है, और तुझे मुझे जानना है तो तुझे उस सत्य को जानने की तुझे मृत्यु को प्राप्त करना है। तब रावण ने विचार किया, मैं तो मृत्यु को प्राप्त कैसे करता हूँ, मुझे न कोई देवता मार सकता है, कोई राक्षस मार सकता है, न कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा वर प्राप्त किया हूँ मुझे मानो। तब शिवजी ने कहा, तू एक बार प्रार्थना कर। रावण 90,000 वर्ष के बाद शिवजी के पास बैठ कर कहता है कि मैं ऊब गया हूँ इस जीवन से, सारे सुखों का अनुभव किया हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। तब शिवजी कहते हैं कि मेरे मन को, मेरे शिवलिंगों को स्थापना करने वाला विष्णु अवतार अब पैदा होगा, जो मानव रूप में पैदा होगा। आपने देखा है कहीं भी हम देखते हैं कि रामेश्वर, रामलिंगेश्वर, रामनाथेश्वर, ऐसा कहते हुए राम ने शिवलिंग स्थापना की है, और रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना करते हुए इस शिव आराधक शिव भक्त रावण को मारा है केवल मानव बनकर। इसके पीछे क्या था, रामचंद्र जी के पास दशमा विद्याएं नहीं थी, क्योंकि उनके गुरु ने दशमा विद्या उस समय नहीं सिद्ध की थी, उन्होंने योग वशिष्ठ लिखा था, वशिष्ठ संहिता नहीं लिखी थी, ऐसा गुरु जी का कहना था। इस क्रिया को मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम अगर ऐसी जगह जहाँ दशमा विद्या एक ही जगह हो और गुरु जी विराजमान हो, वहाँ दशमा विद्याओं का एक ऐसा विशिष्ट मंत्र जिसको आप अगर 3 माला मंत्र जब अपने गुरु के समक्ष बैठकर कहते हैं तो आप इसके बाद कौन सी भी महाविद्या करो आपको उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, योगी आपको उस तंत्र से आप आगे बढ़ना होगा। अब मैं जब यहाँ से पीछे गुरु जी आकर बोले कि दशमा विद्या स्थापन करना है, तो मैंने पहले तो तत्वज्ञान दीक्षा की बात की, बाद में मैंने कहा कि अब तत्वज्ञान दीक्षा एक जगह दशमा विद्या भी स्थापन हो रही है और गुरु जी भी है, तो वहाँ तो ऊर्जा तो बहुत होगी, एनर्जी तो बहुत होगी, यहाँ तो पवित्रता भी श्रेष्ठता के साथ होगी, तो यहाँ कोई ऐसी साधना दे दे आने वाले दिन में जो साधना करने वाले साधक हैं उनके जीवन में उस काल ज्ञान को, जो कृष्ण को काल ज्ञान था, जिस देवताओं को, ऋषियों को काल ज्ञान था, हम देखते हैं वशिष्ठादि ऋषि हो, बाद में जिनने दशमा विद्या सिद्ध की, विश्वामित्र हो, इनको काल ज्ञान रहने के कारण वो आने वाली घटना को पहले ही पहचान जाते थे, और उसके बारे में कौन सी साधना, कौन से किस प्रकार के हम जीने से हमारी ये साधना या हमारी सफलता प्राप्त होती है उनको पता चल जाता था, जिनको काल ज्ञान था। और ये काल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन जिन्होंने लोगों ने भी, सप्त महर्षियों ने हो और जिन्होंने भी इस विद्या को किया, वे कभी हारे नहीं जिंदगी में, दूसरे लोगों को हारने के लिए बात भी किए, वो लोग हार कर भाग गए वैसा करें, चाहे वो कितना भी बलवान हो, कितनी भी श्रेष्ठता अपने साथ लेके हो, जिसको दशमा विद्याएं
एक विशिष्टता के साथ साथ हो तो उसको आने वाला कल क्या होगा इसका पहले ही पता चल जाता है। और जब आने वाला कल पता चल जाता है, हमें पता चल जाए कि आज रात में वर्षा होने वाली है तो हम पहले ही छाता पकड़ लेंगे, हम पहले ही ये विचार करेंगे कि मुझे कहाँ रहना है। हमें पता ही नहीं, हम जा रहे तूफान आने वाला, वर्षा आने वाली है तो हमें, हम जाएंगे तो भीग जाएंगे, बीमारी तो हो गई, बीमार तो हो गई होगी। हमें इसका ज्ञान किस तरह हो, इसकी इस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करें, इस ज्ञान को किस किस ने प्राप्त किया था? महर्षि गौतम जी ने, सप्त महर्षियों ने, स्वयं रावण को भी था। मैं इसलिए कह रहा था कि रावण ने जब शिव जी को मांगा कि मैं अब जीना नहीं चाहता, 100,000 वर्ष जी लिया हूँ, तो उन्होंने मृत्यु का मार्ग बताया। और रावण मरते समय भी कहा, हे राम मैं मरा हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन इतनी भी बात मैं जरूर कहता हूँ, मैं तो मोक्ष को कैलाश ही जाऊँगा। तो लक्ष्मण कह रहे थे इतना पाप करके भी वो कैसा कह रहा है कि मोक्ष जाऊँगा, क्योंकि रावण कहता है हे राम जो तू शिव भक्त है तूने मुझे मारा है, और जो आखिरी समय में राम का और शिव भक्त का या विष्णु का नाम लेके मरता है उसको तो मोक्ष मिलेगा, पापी कहाँ से हूँ मैं, और मैंने तेरे हाथ से मरना इसलिए चाहा कि मुझे मोक्ष मिलना चाहे, माए चाहे मैंने चाहे जीवन में कितनी भी गलतियाँ की हो, ये वो जानता था। इसलिए अपने जीवन में अगर तपस्या हो, अपने जीवन में अगर हम तपस्या करके आगे बढ़ें और हमारे जीवन का काल ज्ञान हो तो एक श्रेष्ठता जीवन में आती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे पुराने साधक हैं रेवतकर जी, उनको ये ही लगा रहता है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत किसी भी चीज़ में सभी को लगता है कि आगे अगर पता चलता तो अपना जीवन संभाल के चलते थे। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत साधनाएं उन्होंने भी संपन्न की, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा जीवन में ऐसा क्षण ना आए कि लोग अपने को कोई पॉइंट आउट करके बताए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ। मैं कहता हूँ आपके जीवन में एक बात याद रखो, इस दशमाविद्या की साधना एक बार संपन्न करो और कहो कि मैं जो यंत्र दे रहा हूँ मैं इस यंत्र को यूं ही नहीं दे रहा हूँ। आज आपने बहुत सारी साधनाएं आज तक की काल ज्ञान प्राप्त, आज इस बार मैंने 10 जड़ी बूटियाँ जो तारा से संबंधित है हिमालय से मंगवाया हूँ, और उस जड़ी बूटियों का वो अपने आसन के नीचे रखकर उसके ऊपर अगर तुम विराजमान होते हो तो दशमाविद्या विराजमान होती है। उसके साथ साथ एक ऐसी गुटिका जिसमें सारे जड़ी बूटियों को एक बार बांधकर एक धागे में 10 धागों में बांधकर आप तारा दशमाविद्या यंत्र पर रखकर वो साधना केवल 3 माला करते हो अपने गुरु के समक्ष, गुरु का एक माला करते हो, 3 माला करते हो, और उसके बाद जब कभी भी कोई भी दशमाविद्या की साधना आप संपन्न करेंगे तो आप दशमाविद्या साधना करने से पहले अब जिस मंदिर में भी जाएंगे जहाँ भी जाएंगे स्वयं वो विद्या बोलेगी कि तू ये साधना संपन्न कर तुझे मैं सिद्धि दूंगी। यह ज्ञान आपको प्राप्त होगा, दशमाविद्याओं में नहीं, किसी भी विद्या के पास या कोई देवता के पास जाते हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहे गोवा जाऊँ या बहुत मंदिरों में जैसा जी गुरु जी के पास ज्ञान लेने के बाद मैं घूमता रहा, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ जहाँ भी मंदिर में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि देवता मुझे बात करें, वहाँ के ब्राह्मण पुजारी ऐसे करके आते हैं जैसे वो मेरे कितने ही साल से मेरे परिचित हो। कहीं गोवा और मैं कहाँ, मैं यहाँ लंदन में भी गया या वहाँ भी गया तो वो लोग आकर कहते हैं। इसका कारण यह है कि कालक ज्ञान का होना और उस महाविद्या का मंत्र हम जानना, उस महाविद्या उस देवता के बारे में जानना। मैं तुम्हें इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, अगर मैं तुम्हारे घर को यूँ ही आऊँ और बोलूँ कि भाई मैं फलाना हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना है, तो क्या क्या बात है भाई किस लिए आए हो ये पूछने लगोगे? मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे मामा जी है ना उन्होंने भेजा है, तुम्हारे काका जी ने, तुम्हारे दादाजी ने, तो बोलेंगे कि भाई घर में आओ, और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पत्नी की तरफ से रिलेशन होता तो बैठ के चाय पिलाएंगे, और भी ज़्यादा रिलेशन आप बताएंगे तो आपको खाना खिलाएंगे। ये विधान है। आप किसी भी मंदिर में जाते हो उस मंदिर का तत्व ही नहीं मालूम, गए नारियल फोड़े नमस्कार करके चले, वो भी बोलते आया गया जा। जब तक आप उस मंदिर का तत्व नहीं जानते, माता को क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, हम गणपति के मंदिर में गए और कोई दूसरा ही फूल चढ़ा दिए जो उनको, यानी दुर्गा के मंदिर में गए मंदार का फूल चढ़ा दिए तो आपने को उल्टी अवकृपा प्राप्त होती है। दुर्वा नहीं चढ़ाते हैं गणेश जी को, तुलसी चढ़ाते तो हमने अवकृपा प्राप्त होती है। हमें उसका तत्व ज्ञान नहीं मालूम कि उस घर में जाने के बाद किसको पुकारना है, देवताओं को कैसे किस तरह की पूजा करनी है। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम जिस मंदिर में भी जाएंगे वो देवता अपने ऊपर कृपा करने के लालायित हो, कहे कि मैं इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, ये मेरे इष्ट के भांति मेरी को जो इच्छा है, मेरे को जो प्रसन्नता है उस प्रसन्नता की वस्तु में मेरे पास लाया है, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, ये कहे। ऐसा हो, ऐसा जीवन में कब होता है, तुम्हें उसका ज्ञान हो। और ये ज्ञान तुम्हें कैसा प्राप्त होता है, मैंने जैसा आज कहा दश महाविद्याएँ
ऐसी विद्या है जिसमें मातंग महर्षि हो या मातंगी विद्या हो या छिन्नमस्ता विद्या हो, इस सारी विद्याओं के पीछे का एक रहस्य है। एक रहस्य यह है कि तुम्हें आने वाला कल आज ही दिखने लगेगा। आने वाले कल में क्या हो, ये व्यापार कर रहा हूँ इसमें मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये व्यापार करूँ या ना करूँ। जिसने, मैंने कहा दशमा विद्याओं को एक ही बार, मैं जो मंत्र आज बोल रहा हूँ उसको सिद्ध किया, तो उसको कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि उसको कभी कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, ऐसा नहीं होगा अगर वो उस मंत्र को बोल कर करता है। क्यों? कि उसको पहले ही विद्या बता देती है कि तुझे करना है। और जिसने ये विद्या सिद्ध की, अगर वो मट्टी भी बेचने लगेगा तो सोना बन के बेचा जाएगा। व्यापार करता है, विद्या करता है, विद्या को पढ़ता है, तो उसको अनुकूल विद्या पढ़ना उसको आना चाहिए कि मैं कौन सी विद्या, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या व्यापारी बनूँ, क्या बनूँ, इसके बारे में जो विद्या पहले ही ज्ञान देना शुरू कर देती है। जहाँ एक जगह दशमा विद्याएँ हो और जहाँ एक ही जगह गुरु जी के सामने दशमा विद्या एक ही जगह स्थापित हो, वहाँ अगर हम इन दशमा विद्या यंत्र पर उसके अपने आसन के नीचे वो दस महाविद्याओं की जड़ियों को अपने आसन के नीचे रख लें और एक यंत्र के ऊपर उस गुटिका को रख लें जो दस धागों में एक विशिष्ट दस महाविद्याओं की जड़ियों को बांध कर रखा हो, यंत्र पर रख दें, मानसोपचार पूजन करें। जैसे मानसोपचार करें, मन में ही कहे कि मैं गंध अक्षत पुष्प फूल नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए करें और केवल उस दस महाविद्या के सामने उन यंत्र की अपने गुरु के सामने बैठकर तीन माला जप करें और उस यंत्र को सिद्ध करके आपके घर में रख लें। जब कभी भी कहीं भी जा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि ये काम होगा या नहीं, तो आप उस यंत्र के सामने केवल लाल पुष्प चढ़ा दे, उस मंत्र की 11 बार मंत्र बोले, तो आपको जवाब आ जाएगा कि ये काम करना है या नहीं करना है। हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार ये भी करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, गुरु जी बच्चा बहुत अच्छा है शादी के लिए दूँ। ऐसे कितने ही घराने हैं जिनमें शादी अच्छा लड़का देख कर दिया गया और वो डाइवोर्स होकर आज घर में बैठे हुए, इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है किस लड़के से शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस ऐसी नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान केवल दशमा विद्याओं का यह यंत्र मैं आज आप यहाँ आए हुए साधकों के लिए, मैंने ज़्यादा नहीं, मैं क्योंकि कहाँ टाइम कम था और मेरा इतने में ज़्यादा घूमना हो रहा है, वो जड़ियाँ भी नहीं मिली, जड़ियाँ भी मिली तो कम मिली है, मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा नहीं मिली जो आसन के नीचे रखने के लिए, और गुटिकाएँ भी कम ही तैयार हुई है। और ऐसी साधना जहाँ एक जगह दशमा विद्या स्थापना हुई हो और गुरु हो उसके सामने अगर ये तीन महाविद्याओं को उस यंत्र पर रखकर करता है, तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ, कहता हूँ कि आपको आने वाला कल का ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। ऐसी साधना मैं आपको अभी दे रहा हूँ जो केवल तीन माला जप करना है, एक माला गुरु मंत्र जप करके। जिनकी इच्छा है कि ये साधना हमारे जीवन में हम करनी चाहिए, वो लोग यंत्र और माला लेकर आ जाओ, मैं साधना बहुत बताता हूँ आगे क्या करना है।